देखिए मेरे हिसाब से कैंसर फील्ड में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 5,800 के जो है सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है पोजिशनल बेसिस पे। एंड फिलहाल हम देख रहे हैं कि 6,380 के आसपास प्राइजेस हैं और पोजिशनल बेसिस पे 5,800 के ऊपर तेजी के तरफ बना रहेगा और अपसाइड में मेरे हिसाब से 6,800 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं पूरे सत्र की अगर हम बात करें। फिलहाल डेफिनेटली हमें नेगेटिव देखने मिल रहा है लेकिन मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल डाउनसाइड जो है वो अभी लिमिटेड होगा यहाँ से और ओवरऑल दोबारा जो एक तेजी का रुख है वो हमें देखने मिल सकता है जहाँ तक कैश शीट का सवाल है। जी अमित जी, जानना चाहेंगे आज ये जो गिरावट देखने को मिली है कैश शीट के अंदर उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं? ये समय जी बात करें अगर चने की तो चने का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं 5160 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1% की गिरावट आज चने वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। अमित जी आपको क्या लगता है जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड भी है और कंजप्शन भी अब ठीक ठाक देखने को मिलेगी तो क्या चने की कीमतों में तेजी देखने को मिल पाएगी? क्योंकि देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन होने के बावजूद जो चना है वो MSP से नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए मेरे हिसाब से जिस प्रकार मैंने पहले बताया था कि लार्जली जो है चने में हमें 5,200 के करीब ही ट्रेड होता हुआ दिखेगा तो यही चीज मैं अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि हमने अपसाइड में 5,350 और डाउनसाइड में 5,000 के करीब के जो एक रेंज देखी है वही बनी रहेगी विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 5,200। आज के सेशन में हमें डाउन जरूर दिखा है, हो सकता है कि एक दिन और हमें 5,080 से 5,090 के रीजन में जाता हुआ दिखे लेकिन वहां से मैं समझता हूँ कि दोबारा 5,200 के लेवल्स के आसपास प्राइजेस जो है वो आपके टिक सकते हैं तो मैं बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी करंट लेवल से नहीं देखता हूँ। जी